बेसन देखो ना हुआ लगता है। क्या बोला अभी आपको घर पे बताता हूँ। हाँ सुबह के टाइम पे पेशेंट्स बहुत आते हैं कैजुअलिटी में। एम एच आ गए तो शताब्दी। अरे बापरे बाप बापरे बाप बापरे सुबह भी चिट्ठी लेके गया हूँ मैं। अच्छा सही कर रहे हैं वो टाइम बंद करेंगे ना तो ये फ्री हो जाएगी। वहाँ एक ही फॉर्म तो दे रहे हैं। अरे आप लोग मुझे बता दे गाड़ी वाल खड़ी करके आना नहीं पड़ा दवाई नहीं तो पीछे की। हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। हाँ चलो उड़ गई हूँ मैं और 6:20 हो रहे हैं सुबह के यहाँ पे। वही मैडम सो रही है। 6 बजे उड़ गई हूँ मैं जाके कपड़े निकाल के लेकर आई अंदर से। और देखो चाय चढ़ा दी गैस पे। आपके फैयाज भाई जान नाश्ता कर रहे हैं और मीनू देखे मीनू खाई उसने एक बार डाले ना दिखाई खाले 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 माँ। और भूख लगी जी खाले माँ खाले खाले। आपके फैयाज भाई के साथ में उसका रोज कड़क पाव फिक्स है। दोनों बिल्लियाँ सॉरी एक बिल्ली और एक मेरा बिल्ला दोनों सुबह सुबह कड़क पाव रेडी हो गए ले नहा धो के चलो निकले क्या रेडी है। I am ready. चले हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप सब। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे मस्त होंगे बढ़िया होंगे मजे में होंगे। देन चले व्लॉग स्टार्ट रखते एंड आज है मंडे। चलो जा रहे हैं हम लोग कहाँ पे पता है कूपर नहीं जा रहे हम लोग जा रहे शताब्दी जो लास्ट टाइम गए थे ना उधर ही जा रहे। माही प्रिंसेस मेरी उड़ गई है देखो मेरी प्रिंसेस उड़ गई है कब से उसका चालू है। मम्मी कितने बजे नंबर आएगा मम्मी कितने बजे आओगे मम्मी क्या है मम्मी ये मम्मी वो। मैंने बोले तो आराम से सो जा टेंशन मत ले नुमेरा नींद पूरी खुल गई है बोलते उसकी। मैंने नुमेर अंदर सो रहा है आराम से सो जा और स्कूल के लिए नुमेर तैयार अभी सो जाना ले मोबाइल लेके नहीं बैठना मैं दरवाजा बंद करूंगी सो जाना। तो अभी नुमेर अंदर के रूम में सो रहा है मैं बोली सो जा स्कूल के लिए नुमेर तैयार कर देगा। पुलाव बनेला है ना पुलाव गरम कर लेना पुलाव खा लेना ठीक है टिफिन में भी पुलाव लेके चले जाना ठीक है और मैं आ जाऊंगी इंशाल्लाह जल्दी। कब से अगर सुरेश मेरी मम्मा लग मम्मा ले लो मेरे को गोदी में ले लो कब से मैं काम कर रही थी फिर कपड़े चेंज कर कब से उड़ गई है लाइट की आवाज सुनी ना तभी उड़ गई है। मम्मा मेरे को सीने से लगा लो मम्मा उड़ जाओ मम्मा ले लो मली बेटा मैं काम कर लो उसके बाद में आखिरी में जाने के टाइम पर परेशान मत कर है ना फटाफट से मैं तैयार हो जाऊँ फिर मेरे को लेट हो जाएगा गए बार भी ऐसे हो गया ना पता है ना तेरे को तो ये बस जल्दी जाएंगे। हाँ चलो ओजी वाले आ गए ओजी कर रहे वो बैठ के बाहर कड़ी लगा लेना तू समझ आए थैली पापा को दे ओजी कर रहे उन्होंने। चलो रिक्शा सामने ही खड़ा करके रखे ना वो रिक्शा भी जल्दी हटाना पड़ता ना रिक्शा फिर आने जाने वालों को भी प्रॉब्लम होती है फिर वो पानी भर के इतना पड़ा रहता है तो क्या करेंगे। चलो चप्पल पहनू मीनू मैं जाके आती ध्यान देना मेरे दोनों बच्चे लोग का हाँ ध्यान देना। चल एकदम लाड़ में आई अभी एकदम लाड़ में अभी ये माही की मम्मा है मीनू को बोल रही है माही मीनू को बोलती है ये मेरी मम्मा है। मीनू भी तो है ना अभी मीनू को कैसा छोड़ सकते हैं ना मीनू भी तो अभी हमारी फैमिली का हिस्सा ही बन गई है ना तो वो आगे पीछे वो भी देखो पीछे पीछे ही है। चलो चलो पापा चल रहे मीनू को चलो गिल्ला है क्या पूरा आ जाओ गिल्ला इसलिए तो बारिश की वजह से ऊपर चढ़ेंगे उतरेंगे ना गिल्ला हो जाए जा क्या ऐसा मुंह बना रही है तो ऐसे तो मुँह बनाती है ना फिर मेरा दिल ही नहीं होता तुम लोगों को छोड़ के जाने। चल जा कड़ी लगा जा जल्दी जा मैं जाऊँ फिर पहले कड़ी लगा ले और चार्जर बंद कर दे मेरे मोबाइल का हाँ कड़ी लगा ले चल बाय अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ जल्दी करके आऊंगी वो काम करके आऊंगी बंद कर दो लाइट बंद करो भाई के पास अंदर के रूम में जाके सो जाओ ठीक है अल्लाह हाफिज बंद करो बस। ये देखो बारिश भी घर से निकले कि नहीं निकले बारिश शुरू अरे अल्लाह तो पास हो गई यार पास पकड़ ली बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह
संभाल के। चलो बिस्मिल्ला, चलो निकले हम लोग। और अभी बज रहे 7:15। अभी देखो कितने मिनट में पहुंचती हूँ वो बताती हूँ आप लोग को। अभी घर से निकली जब 7:15 एग्जैक्टली हो रहे, 20 मिनट लगता है कि अभी रोड के हिसाब से भी पहुंचे। सुबह सुबह तो ट्रैफिक नहीं रहती इतना, 8 बजे के बाद शायद रहती है यहाँ पे, 8-8:30 बजे के बाद, 8:30 बजे के बाद ट्रैफिक रहती है ना बज्जू, तो सुबह सुबह नहीं रहती। तो चलो देखते कितने बजे पहुँचते, आपको वहाँ मिलती होगी डायरेक्ट। चलो हम लोग पहुँच गए शताब्दी, ये देखिए। और अब कितने बज रहे हैं मैं आपको टाइमिंग बताती हूँ। अभी एग्जैक्टली हो रहे हैं 7:34, मतलब कितने देर में पहुँची देखो मैं, 15-20 मिनट के ऊपर। चलो यहाँ पहुँच गए हम लोग शताब्दी। चलो गर्दी नहीं दिख रही आज, खाली दिख रहा है। अरे लो क्या गर्दी नहीं है पज्जू, ये क्या की लाइन है, क्या लाइन है, फॉर्म की लाइन है, फॉर्म की लाइन नहीं है ये, अंदर जाने के। अरे बापरे बाप, क्या यार भैया ये, अरे बापरे बाप, बापरे बाप, बापरे बाप, सुबह सुबह भी, रात में सोए नहीं गए लोग, सुबह सुबह उठ के आ गए, ये क्या है, अरे अल्लाह ये क्या है, क्या ये तो दुनिया की गर्दी है। नया फॉर्म का पूछ के लिए प्योर, पूछो जरा जाके देखो लाइन लंबा लंबा फॉर्म, ये क्या सीन है यार, पब्लिक सोती नहीं, उठ के आ जाती लगता, 5 बजे आके बढ़ जाती लगता। हाँ आज देखो ना, आज भी इतनी गर्दी, जाओ देखो नया नया फॉर्म की लाइन किधर है, मालूम तो पड़ेगी, देखो जरा देखो तो पूछो तो। कितनी गर्दी है यार, बेहिसाब गर्दी है यार। आपके फैयाज भाईजान गए हैं फॉर्म के लिए, सच्ची में यार हम लोग का कूपर ही अच्छा था, यहाँ से ना कूपर बहुत लंबा पड़ जाता है ना, कम से कम आपके भाईजान बोले कम से कम, नहीं बोलेंगे तो मतलब वो जोगेश्वरी से भी आगे, अम्मी के घर पे जाने के लिए 1 घंटा लगता है, और जाना है आगे मतलब 1.5 घंटा तो लगेगा कम से कम वहाँ जाने के लिए। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं 7:15 बजे निकली और 7:33 या 7:34 को पहुँच गई, मतलब 15-20 मिनट पकड़ी, 20 मिनट में मैं पहुँच गई। हम वहाँ पे 1.5 घंटा लगेगा, आपके भाईजान बोले नज़दीक इधर ही है तो चलो यहीं से दिला के लाता हूँ। यहाँ तो गर्दी देख के मैं ऐसी ठंडी हो जाती हूँ, यहाँ की गर्दी के फैयाज भाईजान है ना वहाँ पे लाइन में खड़े हैं, आपको दिख रहे हैं, देखो मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये देखें, नहीं दिख रहे ना, वो उधर लाइन में खड़े हैं, अंदर है, नंबर लगा लिए उन्होंने, नंबर लगा लिए। एक्चुअली यहाँ पे कैसा है ना, मतलब 3 लाइन दिया है यहाँ पे, मतलब एक जो है ना वो लेडीज लोग का है, एक जेंट्स लोग का है, और एक जो है लाइन वो है सीनियर सिटीजन्स लोग की। तो यहाँ पे जैसे है ना मतलब मिक्स में नहीं खड़ा कर रहे, तो अभी जो लेडीज लोग है ना आपके फैयाजान वही खड़े हैं, लेडीज लोग को बोल दिए कि फॉर्म लेने के टाइम पे मैं बोल दूंगा कि मेरी वाइफ के लिए दे रहा हूँ, और लेडीज लोग की लाइन में खड़े बट थोड़ा सा बाहर निकल के खड़े, तो मेरे को कॉल पे बात करे अभी, तो मेरे को बोले मैं नंबर लगाया हूँ साइड में खड़ा हूँ, जब काउंटर पे जाऊँगा तो मैं बोल दूंगा कि वाइफ के लिए ले रहा हूँ करके। तो यहाँ पे कैसा है ना, सीनियर सिटीजन्स और वो जो कर्मचारी होते हैं ना यहाँ के वर्कर लोग, उन लोग के लिए एक डिपार्टमेंट, लेडीज लोग का अलग, जेंट्स लोग का अलग, मतलब ऐसा यहाँ पे इन लोग ने पार्ट बनाया। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को वो लग रहा है कि ना जैसे हम लोग कूपर हॉस्पिटल जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसी लाइन लगानी नहीं पड़ती, उधर जो होता है ना स्पेशल लोगों के लिए भी होता है काउंटर, मतलब स्पेशल लोग को अगर बोले ना तो वहाँ पे फॉर्म मिल जाता है, लाइन नहीं लगाना पड़ता है। तो मैं जब कूपर हॉस्पिटल जाती हूँ तो ऐसा नंबर नहीं लगाते हम लोग को फॉर्म मिल जाता है, बट यहाँ पे क्या है ना नंबर लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे कि स्पेशल लोगों के लिए लोग ने रखा है। तो अभी बस ये 8 बजे शुरू हो जाएगा, तो देखते फॉर्म लेते फिर देखेंगे, फर्स्ट एक्सपीरियंस यहाँ का भी ले रही हूँ, अगर अच्छा नहीं रहा तो फिर यहाँ नहीं आऊँगी, फिर ऊपर हॉस्पिटल जाऊँगी। बट मैंने बोला चलो ट्राई कर लेते, बाजू में घर के बाजू में ही तो देख लेते ट्राई करके। भीड़ और बढ़ गई है, पब्लिक और आते जा रही है, भीड़ और बढ़ गई है, और फॉर्म का काउंटर जो है ना 8 बज के चालू हो चुका है।
अरे अल्लाह इमरजेंसी पेशेंट है, मार लग गया शायद। सुबह का वक्त है, गाड़ी की हर पर काम पे जाते बाइक से ये वो, सुबह के टाइम पे पेशेंट्स बहुत आते हैं कैजुअलिटी में, इमरजेंसी पेशेंट्स। दवाखाने आने के बाद मैंने ये सब चीज़ें देखती हूँ ना, मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है। बस अल्लाह से बस ये, लोग कहते ना कि यार लोग आज की तारीख में ना दौलत के पीछे भाग रहे हैं, बट मैं तो बोलूँगी असली दौलत तो हमारी तंदुरुस्ती, अगर हम ठीक है ना तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। बस अल्लाह उतना दे दे कि बस सब कुछ हो जाए पूरा, ज़्यादा के पीछे नहीं भागना, अपने आप को तकलीफ देके। और यहाँ आने के बाद मैंने यही रियलाइज़ होने लग जाता है, अभी मैंने देखा ना उधर पे तो मेरे को पता अभी घबराहट शुरू होने लग गई। देखो गर्दी कितनी हो गई आपके पास जो लाइन में ही, और झगड़े हो रहे अंदर, मतलब इधर झगड़े तक के होते हैं यार लाइन लाइन के लिए। देखो और किसे चीखे मारते हैं, एक किसी को एक बंदे को अंदर नहीं घुसने देंगे, मतलब पीछे से कोई बंदा घुस ही नहीं सकता। अच्छा पब्लिक देखे ना, आप जा भी रही है और फॉर्म लेके यही रास्ते से आ रही है, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बनाया कि एक तरह एक जगह से निकलो तो दूसरी जगह से, मतलब एक तरह से जाओ दूसरी जगह से आओ, मतलब यही लाइन पकड़ के जा रही है, लहीन पर लाइन पकड़ के वो गर्दी में से घुस घुस के आ रहे सब लोग। क्योंकि अगर वो जेंट्स के वहाँ लाइन लगाते ना तो वहाँ पे मुझे फॉर्म नहीं देते, उनको मैंने पूछी, वो बोल रहे मुझे तुम्हारा फॉर्म लेना है तो लेडीज लोग के वहीं पे लेना है। देखो आवाज़ देखे, हम लोग जैसे ऊपर जाएंगे ना तो एक ही लाइन में लेडीज़ का भी मिल जाता है जेंट्स का भी मिल जाता है, मतलब आपके भाईजान भी दवा ले लेते साथ में, मेरे साथ जाएंगे ना तो वो भी साथ ही में दवा ले लेते। अब यहाँ पे है कि वो मेरा ही फॉर्म लेंगे अभी मेरे लिए, मैं उनको बोली कि तुम्हारा भी निकाल लो, तो बोले अभी मेरे को फिर जेंट्स में लाइन लगाना पड़ेगा, तुम्हारा होने के बाद फिर लाइन कौन लगाएगा इतनी लंबी, बोले नहीं तुम्हारा ही लेके चलो। इधर ये मसला, झगड़े हो गए, झगड़े लाइन के लिए झगड़े हो गए, देख रहे आप लोग आवाज। अल्लाह मेरे प्रयास कैसा लाएंगे, मैं वही सोच रही हूँ। ये देखे गर्दी में से जद्दोजहद करके वो आ गए, जंग जीत गए। ये फॉर्म है, ये तो चिट्ठी है, चिट्ठी फॉर्म नहीं देते। अच्छा यहाँ पे ऐसा मिलता है क्या, झगड़े कर रहे वहाँ पे, फाइनली टोकन तो मिल गया, अभी दवा लेने बाकी। कहाँ पे कर रहे, चलो अभी जा रहे हैं हम लोग अंदर। अरे फ्रेश क्या स्मेलिंग आ रही है दवा खाने की, ये बड़ी बुरी लगती है मेरे को आज अच्छी स्मेलिंग। कौन सा नंबर अंदर तो बड़ा है यार फैज हॉस्पिटल, भारी लोग नहीं काउंटर पे गंद वो करके रखे पूरा, अंदर तो बहुत बड़ा है ऊपर हॉस्पिटल के जैसा है। अच्छा 20 नंबर ढूंढ रहे हम लोग, 20 नंबर 20 हड्डी का डॉक्टर। हाँ ना इसलिए हम लोग घर से ही ला रहे हैं। चिट्ठी लेके गए, मंगाया चिट्ठी। हाँ उधर भी उधर खड़ा कर दो ना, इधर ही खड़े रहने दो। वॉचमैन को दिखा दिए, अभी वो 5 नंबर से बाकी मतलब हम लोग कर लेंगे, जैसे 5 नॉर्मल जाएंगे तो एक स्पेशल जा सकता है ना। हाँ 5 के बाद अंदर छोड़ दो, इंजन सही कर देंगे, वो टाइम के बाद में खोलेंगे ना तो वो जंग लग जाती है ना, वो टाइम टाइम के बाद निकालती है तो जंग लग जाती है। चलो ये मिली है दवा, और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर दवा लाने के लिए। क्या बोला अभी आपको घर पे बताती हूँ। हाँ क्या फॉर्म बोल रहे, मुझे भी एक लेना चाहिए था, मैं भी दवा ले लेता। कैसे लेते तुम दवा, वहाँ एक ही फॉर्म तो दे रहे हैं। हाँ है, दोनों जगह रास्ता है, फैयाज बजन घुमा रहे हैं। अच्छा वहाँ पे पब्लिक बहुत हो गई थी,
इसके लिए यहाँ से लेके निकल रहे हैं। यहाँ पे पब्लिक कम है। अच्छा यहाँ पे ये भी है, स्लोप भी है। रिक्शा कहाँ है तुम्हारी भाई? रिक्शा है क्या? डर लगता है यार। देखो स्लोप, अभी सिर्फ दवा लेने थे हम लोग को। दवा को लाइन है क्या? मैं दवा लेकर आऊँ? हाँ जाओ, ले लो। ये लाइन है दवे की। अच्छा हाँ, यहाँ गंदगी है थोड़ा, साइड में हटा था। मैं बोलने ही वाली थी कि तुम क्या गंदगी में लाके खड़ा किए, तो खुद ही भाग के आ गए कि यहाँ बास आएगी, स्मेल वगैरह आएगी, तुमको साइड में खड़ा करता हूँ। हाँ वहाँ लेके जाओ, वो अच्छी जगह है, यहाँ खड़ा करो। हाँ बस चलो, थैंक यू। हाँ ठीक है, ठीक है। ये लाइन है दवे की, दवे की लाइन लगाएंगे, ज़्यादा लाइन नहीं है, नंबर आ जाएगा जल्दी। यहाँ हो रही है साफ सफाई, ये तो वक्त है। अच्छा लाल टोपी में नज़र आ ही जाते हैं कहीं पे भी, लाल टोपी ना उनका सीधी। यहाँ पे ना अंदर तक रिक्शा आती है, और जो रहते हैं ना जो पेशेंट्स वगैरह, ये देखिए गाड़ी भी आई है, और पेशेंट्स लोग आते हैं और यहाँ पे मतलब रिक्शा उतार के फिर रिक्शा लोग लेके चले जाते हैं। बट हम लोग की रिक्शा वहाँ पे खड़ी है, दिख रही है मेरे को सामने। अल्लाह का शुक्र है कि मतलब यहाँ रिक्शा खड़ी करने को थोड़ा से कोई अभी तक बोला नहीं है, अगर कुछ बोलेगा तो हटाना पड़ेगा, बट ठीक है चलो सेफ्टी में खड़ी है। ये देखिए अंदर तक गाड़ी आएगी, देखिए अंदर तक गाड़ी आती है, छोड़ती है और चली जाती है। पर हम लोग को मौका मिला गाड़ी खड़ी करने का, तो बस खड़ी करके आज काम हो गया, मतलब गाड़ी बाहर खड़ी करके आना नहीं पड़ा, इधर ही खड़ी करके सारा काम हो गया, सिर्फ दवा बाकी है, दवा लेके फिर हम लोग चले। दवा मिल गई आपके फयाज में जाना के, दवा लेके देखेंगे क्या क्या दवा दिए। खाने के पहले दो टाइम, दिन में एक बार, और ये दो टाइम, सेम दवा है ना ये तो पीछे की? नहीं बच्चा फर्क है, अलग अलग है। हाँ हाँ हाँ, और ये दिन में दो टाइम, ठीक है। ये भी दो बार, वो भी दो बार, ये दो बार, ये खाने से पहले दो बार और ये एक बार, ठीक है। और क्या लगाने के लिए कुछ ट्यूब वगैरह? ट्यूब बोल रहे थे, लिख के दे रहा हूँ। हाँ एक बाहर से लेने का, बाहर से लेने का है। हाँ एक बाहर से लेने का। अच्छा चलो रखो इसके अंदर, गाड़ी में डालो। चलो हो गया, गाड़ी लाने जा रहे हैं। चलो आ गई हमारी गाड़ी। आयुर्वेदिक यहाँ पे बेच रहे हैं तो एलोपैथिक क्यों? हाँ ज्वाइंट पेन का ही दिख रहा है मेरे को, तो फिर एलोपैथिक के दवाखाने में आयुर्वेदिक। इसको खोल बंद करेंगे ना तो ये फ्री हो जाएगी। संभाल के डालो, मेरे पैर पे मत लगा देना बाबा। अल्लो मेरे पैर पे मत लगा देना बाबा। बस बैठे। क्या दवा मिली? दवा तो मिल गई, अब तुम्हारा खाना है तो देख लेना, ठीक है। देखते खाते है क्या है, देखते घर पे बताते हैं। अभी कहाँ जाना है? अभी दवा एक बाहर की लेते और घर पे, ठीक। चलो गाड़ी जाम हो गई क्या तुम्हारी? पेशेंट देखो ना कुछ हुआ लगता है। चलो बैक से निकल रहे हम लोग, फ्रंट से आए थे और ये पीछे का गेट है, जैसे आराम से मेरे को एंट्रेंस था वहाँ से, यहाँ से कंट्री। हाँ लास्ट टाइम भी मैंने दिखाई थी शायद, और यहाँ पे हमेशा एक एम्बुलेंस रेडी रहता है, कुछ हुआ तो लेके के डालो। हाँ फयाज अंदर कुछ हुआ तो लेके के डालो। चलो हाँ वो ट्यूब ले लो। हाँ वो जा रहे मेडिकल दवा लाने। हाँ चल, हाँ दवा भी ला लिए, ठीक है। सब बिल भी आया क्या? चाय चाय चाय, ये तो इसकी तो ज़रूरत है। कितनी सी आई है यार इसके अंदर? ये कितने की है? कितने सी? एक में दो किए, मैं वही बोल रही थी, एक में दो किया। चले चाय पिए और अभी निकले, अभी हो रहे 10:15।
मतलब आज हम लोग का काम हो गया है, 7:15 घर से निकली और 10:15 तक काम हो गया, मतलब कितना घंटा, 3 घंटे में काम फ्री हो गया भाई। चलो लग रही है भूख बहुत जोर की आपके पास, कुछ खिलाता हूँ, भूख लग रही है। अभी मेरे को एक्चुअली जाना है माई की जींस के लिए, आगे जा रही हूँ मैं मलाड, देख लेती हूँ आप। चलो ये आया उस सड़ पाओ, खाओ ऐसे खड़े के खाएंगे सर को, अंदर बैठ रहे हैं उसकी वजह से अटक रहा है। डाइनिंग टेबल बन गया हमारा, मेरी व्हील चेयर पर रख के मस्त में डाइनिंग टेबल बना लिया आपके भाई जन ने। दो चले आ जाए बिस्मिल्ला कर लो, गाड़ी में बैठ के नाश्ता करो। एक्चुअली मैं जाने का थोड़ा मलाड जा रही हूँ जींस के, क्योंकि कल उसको शूट है उसका, कल शूट है ना, उसको जींस चाहिए आज। अगर मैं अभी घर पे चली गई ना बिना लिए, फिर बाद में नहीं निकलना होने वाला, फिर डायरेक्ट कल सुबह सुबह जाने वाली हूँ 6 बजे, है ना, तो फिर ऐसा होने। नहीं जी अब तो खाऊंगी, हाँ यहाँ देखो टी शर्ट दिख रही मेरे को, हाँ यहाँ देखो ना मिलेगी शर्ट। चलो ये दुकान में आए हैं हम लोग मल्लाड, कपड़े तो अच्छे लग रहे, कलेक्शन भी अच्छे दिख रहे, वैसे जींस है क्या पीछे, पीछे खुलेगा क्या, ये सभी टाइप है क्या, ऐसे कपड़े में देखो ना कुछ और अच्छा, इसी डिजाइन में फैंसी में, हाँ वो तो अभी, ये ऐसा मत लगो गोल गल्ला पल्ला मत देखो, थोड़ा इसमें कुछ पैटर्न ही नहीं है देखो ना, ये खाली ऐसे टी शर्ट है, ऐसा कुछ अच्छा देखो ना और आगे कुछ और अच्छा देखो। चलो चलो हो गया माही का ड्रेस, ये वाला ले ली मैंने, ये हमारे मैडम के हाथों में मेहंदी लग रही है, 12 फाग से पहले ही लगाया जा रहा है, लगवाया जा नहीं रहा है, आपके भाईजन ने लगवाने बिठा दिए मुझे जबरदस्ती करके, पीछे पड़ गए जा ही रहे तो ये भाई को देखे तो इनको पूछे तो ये बोले हाँ मैं 5-6 मिनट में लगा दूंगा, तो मेरे को बिठा दिए, बोले नहीं तुम बैठो, दोनों हाथ में लगाने बोल रहे थे बट मैंने बोली नहीं मुझे एक ही हाथ में काफ़ी है, तो उल्टे हाथ में तो मैं लगा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि डिज़ाइन आती है मुझे लगाने, बट सीधा हाथ रह जाता है ना, तो आपके भाईजन बोले चलो एक ही लगाना है तो सीधे हाथ पे लगा लो, तुम सीधे हाथ पे नहीं लगाते हो ना, तो ये बस लगा लिया सीधे हाथ पे। और हाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि जैन से मेहंदी लगा रही है, तो नहीं भाई लोग बहुत मतलब जितना हाथ को मेहंदी को मतलब टच करना होता ना उतना ही करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, तो बहुत मतलब अच्छे से लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं यार कि जैन से लगा रही है लेडीज से लगा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी चले क्या करने निकली थी और देखिए क्या करके जा रही हूँ, और ये हमेशा का ये मेरा यार, मैं करने कुछ निकलती हूँ और करके कुछ आती हूँ, और ये अक्सर होता है मेरे साथ में। दवा लेने गई थी, आप लोग भी सोच रहे हैं मदीना दवा लेने गई और मेहंदी लगा कर आई, हाँ यार दवाई के बदले मेहंदी मिल गई, दवा भी मिली। मेहंदी लगा के देखो एक फ्रंट में और एक बैक साइड में दोनों जगह, आपके भाईजन मुझे बिठा दिए, बैठो बोले बैठो, मैं बोली नहीं रहने दो, तो बोलते नहीं बैठो बैठो लगा लो, तो भाई को पूछे कितना रहेंगे, तो उन्होंने बोले 100 रुपीज दूंगा, आगे पीछे दोनों लगा दूंगा अपनी मर्जी की डिजाइन, तो मैं बोली चलो बेस्ट है यार ये तो, मतलब मैं मेरे को ना मेहंदी लगती नहीं है, ईद में रहने दो 12 पार किसी की शादी कुछ भी मतलब मेहंदी रह जाती, क्योंकि मैं सोचती हूँ ना अभी पार्लर जाऊँगी तो आपके भाईजन कैसे जाएंगे अंदर, तो ये सोच के रह जाती हूँ। और ठीक है ना, ये मेरे को भाई मिले ना, इन्होंने बोले क्या नहीं घर पे आके लगा देंगे अगर आप बुलाएंगे, और चार्जेस नहीं लेंगे आने का, खाली जो आपका डिज़ाइन का चार्जेस है ना बस वही देंगे, मैं बोली ये तो बेस्ट ऑप्शन है, मतलब उनको अगर कॉल करके बुलाऊंगी तो आ जाएंगे घर पे, तो देखेंगे इंशाल्लाह ट्राई करूंगी घर पे बुलाऊंगी, अभी अगर लगवाना होगा ट्राई करूंगी, अभी तो फिलहाल 12 पद को टाइम है, बट ये मेहंदी आज ही लग गई मुझे, कैसी लग रही आप लोग मुझे बताना, देखो अच्छी लग रही। तो आ गए हम लोग घर पे और माँ ही देखो गंदगी है यहाँ, क्यों आई तू, हाँ रस्सी खेल रही थी, छोटी बना के आई, हाँ पप्पू के पास जाके छोटी बना के, चल गंदगी में से हट ऊपर आ,
परा करती। रस्सी खेल रही थी। अल्लाह मेरा बच्चा, ले ले थैली लेके जा, थैली लेके जा बेटा, आओ।